नमस्ते, मैं अरुणाचल प्रदेश इंडिया से मैं बिलोंग करती हूँ और आज मैं आप लोगों को कुछ शेयर करने वाली हूँ मेरे लाइफ के बारे में, जो कि मेरे को धमकियाँ मिला जा रहा है और मेरी फेस में ऐसी फेंकने का धमकी दिया जा रहा है। और मुझे ड्रग्स के केस में पता नहीं, अपने बेटे को तो उसने ड्रग्स के केस में अंदर डाल दिया है, बोल रहे कि तुम्हारा भी इंतज़ाम करके रखा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो मुझे जेल के अंदर कैसे भी करके डालना चाहता है वो। तो मुझे नहीं समझ आ रहा है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण आप किसी के लाइफ को बर्बाद करने पे तुले हो। और मैं आप लोगों को बता दूँ मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है, और बहुत दिनों से ब्लॉक्स यही रीज़न कारण से नहीं आ रहा है। 1.5 साल पहले मेरे को एक बंदा मिला, मुलाकात हुई हमारी, कहाँ वो सब बताती हूँ मैं। देख, मैं एक प्रोफेशनल बैली डांसर हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। अगर मुझे किसी की शादी पार्टी में नाचने को बोलूँगी तो मैं नाचूँगी, अगर मुझे किसी के बर्थडे पार्टी में नाचने को बोलूँगी तो मैं नाचूँगी, अगर कहीं लॉन्चिंग का पार्टी है, मतलब पार्टीज है, मुझे बुलाया जा रहा है तो मैं नाचूंगी, और कहीं फैशन शो का या कुछ जिसमें बैली डांसिंग का रिक्वायर होती है, जिसमें मुझे कंफर्टेबल होगी, मैं करूंगी, है ना। नाइट क्लब हो चाहे वो डांस बार हो, तो वैसे मुझे एक डांस बार में, मुझे मुंबई में, मतलब मैं गई मतलब परफॉर्मेंस करने के लिए, मतलब डांस बार में। तो वहाँ मुझे एक बंदा मिला, वो एकदम टिपिकल मुंबई का, ठीक है, मतलब वहाँ का मुंबई का लोकल है वो। अब मैं उसकी फैमिली को मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, उसके बाप का नाम मुझे पता है, माँ का नाम पता है, बड़े सिस्टर का नाम पता है, उसके पति का नाम पता है, उस बंदे का नाम पता है, उसकी छोटी सिस्टर के नाम, सब परिवार का नाम पूरा मेरे को पता है, लेकिन मैं उस परिवार का नाम नहीं लेना चाहूँगी, क्योंकि मेरे पे इतनी समझ है, किसी के फैमिली को बदनाम करना बहुत बुरी बात है और मेरे पे केस भी लग सकता है अगर उस परिवार का मैंने नाम लिया तो। मुझे पता है क्योंकि उस परिवार ने अभी तक मेरे साथ कुछ किया नहीं है, काली धमकी दिया है, ठीक है। ऊपर वाला चाहते हैं कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो, इसी वजह से अभी तक हुआ नहीं। लेकिन कब तक मैं अपने आप को बचा के इधर उधर मतलब भटकते रहूँ, है ना। तो अभी मैं अपनी फ्रेंड के घर पे हूँ और मैं अपने घर पे नहीं हूँ। अब ये पिंक वॉल देख के आपको लग रहा होगा कि मेरी घर है, नहीं, मैं दिखाना चाहूँगी, ये देखो वो जो बैग है, छोटा सा ट्रॉली, उसमें मेरे कपड़े, और मेरे घर तो ऐसा है नहीं, है ना। तो ये जो है, ये मेरे घर है नहीं, मेरी फ्रेंड के घर है। और मैं अभी अपने घर पे बताती हूँ कितना दिन हो गया नहीं गया, 1 महीना मैं भी 14-15 डेज हो गया है मैं घर गई नहीं हूँ, ठीक है। रीज़न ये है कि मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि जो उसके माँ बाप है, उसको ये लगता है कि उसके बेटे के साथ मेरा कुछ अफेयर है, था, ठीक है, उसको लगता है कि अभी भी है, था हमारे पैर, मैं नहीं बोलूँगी कि हमारे बीच में रिलेशन नहीं था, था रिलेशन, कब, 1.5 साल पहले डांस बार में हम मिले, उसने मेरे को मैंने उसको पूछा भी था कि डू यू हैव गर्लफ्रेंड या वाइफ, उसने बोला कि कुछ है नहीं, मतलब कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, कुछ है नहीं है वो। मैंने उसको पूछा और फिर हमारी, उसने मेरे को डेट करने लगा, उसने मेरे को कॉफ़ी पीने के लिए बुलाया, उसने मेरे को डिनर करने के लिए बुलाया, उसने मेरे को मतलब बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट लेके गए, और बहुत अच्छा मेरा उसने एक इम्पोर्टेंस जब आपको इंसान देता है ना, तो ऑटोमेटिकली उस पर दिल आ ही जाता है ना। तो मैंने उसको बोला भी था कि मैं क्या हूँ, मैं तेरे साथ रिलेशन नहीं आ सकती, देख मेरे को, मेरा पता है कि मैं किसी के साथ रिलेशन आ नहीं सकती, ठीक है। उसको मैंने अपने बारे में एकदम नीट एंड क्लीन क्लियर बता चुकी थी मैंने उसको। तो उस बंदे ने बोला कि मेरे को पहले से पता था तुम्हारे बारे में, ठीक है, और मैंने तुम्हारे इंस्टा यूट्यूब में मैंने सारे वीडियोज़ देखी है, तुम्हारे बारे में मेरे को सब कुछ पता, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। मैंने, चलो ठीक है फिर, अच्छी बात है, बंदा सिंगल है और
ऊपर से मैं भी सिंगल हूँ, तो मुझे लगा कि चलो कोई अच्छी लाइफ पार्टनर अगर इससे हो पाएगा तो ठीक है यार, व्हाई नॉट, क्यों है ना, क्यों नहीं। तो क्या हुआ, एक महीने बाद उस बंदे का फ्रेंड का मतलब फ्रेंड से मेरे को पता चलता है कि उसकी शादी हो गई है। ठीक है, मतलब शादी है कल ऐसा। तो आई वॉज शॉक्ड और उसको मैंने यहाँ हर जगह ब्लॉक करके रख दिया। ठीक है, नंबर व्हाट्सअप डिलीट कर दिया, ब्लॉक कर दिया, इंस्टाग्राम पे आईडी ब्लॉक कर दिया। तो बट फिर भी वो बंदा मान नहीं रहा, उसने मेरे को मेरे घर के नीचे आके रोना धोना चालू कर दिया। सॉरी, मेरे मम्मी पापा के कहने पे मैंने शादी किया, मेरे मम्मी बोल रही थी कि अगर मैं मतलब शादी नहीं करूँगा तो मेरे को मतलब उसके माँ जहर खा के मर जाएगी, मतलब पी मतलब चलो उसकी फैमिली की बात है वो, मेरे को मतलब उस बंदे ने ऐसे बताया। ठीक है, पापा भी जबरदस्ती कर रहे थे क्योंकि वो अपने बाप से बहुत डरते हैं। ठीक है, गुंडा था बोलता है, एक टाइम में उसके बेटे ने खुद मेरे को बताया कि उसके बाप एक टाइम में गुंडा था, पुलिस के इनकाउंटर से बच गया, ऐसे बता रहे थे उसके बेटा मेरे को कोई लेन देन नहीं उसके फैमिली से, है ना। तो उसके दबाव में मतलब बाप के दबाव में आके मैंने, माँ के दबाव में आके मैंने शादी किया ऐसा। मैं ठीक है यार, तुम यार वो लड़की भी तुमको विश्वास करके आए तेरे घर पे, है ना, किसी की बेटी है बहन है तो रिस्पॉन्स बनता है तुम्हारा भी, अभी बच्चों से कर लो, अपनी नई शुरुआत करो, है ना। मैंने उसको समझाया और मैंने उसको बोला कि तेरी बहन भी है ना, तेरी बहन कल को शादी हो जाएगी, उसकी हस्बैंड उसके पति, तेरी बहन के पति अगर ऐसे हरकत करने लगे तो तेरे को कैसा बुरा फील होगा ना, अच्छा फील होगा क्या, नहीं ना बुरा फील होगा ना, तो जाओ उस बंदी को अभी संभालो, ये वो बीबी को संभालो, शादी तो हो ही गया ना, सबके सामने सिंदूर लगाया, मंगलसूत्र पहना हो गया, तभी तुम संभालो ये सब, मेरे को समझाया मैंने। हाँ, बंदे ने मतलब थोड़ा समझा, वो घर गया। ठीक है, घर पे वो रह रहा था मतलब ठीक ठाक, लेकिन मेरे को 15 दिन में एक कॉल करके पूछा था कि कैसी है तू। अब यार बंदा मेरे से प्यार करता था, जाहिर सी बात है मैं भी करती थी उससे प्यार, है ना, शादी से पहले तो थोड़ी बहुत तो दिल पे फीलिंग्स होती है, तो मतलब अनन नंबर से कॉल करता था, उसकी आवाज़ में सुनने तो मेरे को पता चला। हाँ, मैंने बोला बोलो ना क्या हुआ, तो बोल देती कि कैसी है तू, ठीक है क्या, मतलब ऐसी बात होती थी, तो मतलब बहुत ऐसी मतलब अपन का ये चलता रहा। वो कभी हफ्ते में एक कॉल करके पूछती थी ये वो, मैं बोलते घर पे सब ठीक है क्या, मतलब बीबी कैसी है ये वो, मैं पूछताछ हमारी चालू था, घर पे सब ठीक है क्या, मतलब ऐसे नॉर्मली चालू था। तो उसकी फैमिली को ऐसा लगता है कि अभी 1.5 साल हो गया उसके शादी को। ठीक है, तो उसकी बाप मेरे घर के नीचे गुंडा रखा हुआ है, 5-6 गुंडा घर के नीचे रखा हुआ है। वॉचमैन को बोला गया है कि अगर बेला अगर घर के नीचे आते हैं तो कॉल करने का, ये धमकी दिया गया है वॉचमैन को। अब वॉचमैन भी उसके हो गए, ठीक है, किसके, उसके बाप के, क्योंकि उसके बाप वहाँ का लोकल है, थोड़ा बड़े लोग हैं, थोड़ा यू नो गुंडे टाइप का है, तो डरते हैं वहाँ के लोग थोड़ा, है ना। तो उसके माँ, उसके बहू, उसके माँ घर के नीचे आए, मेरे घर के नीचे मेरे को मारने के लिए, मेरे को धमकी दिया गया कि तेरी फेस में एसिड फेंकूंगा मैं, ऊपर वाले ने इतनी अच्छी शक्ल दिया तेरे को अच्छी जगह पे यूज़ करनी चाहिए, किसी की फैमिली क्यों बर्बाद करे। उसके बाप ने मेरे को ये बोला, यार मैं समझती हूँ उसकी बात, माँ है बाप है बीबी है, हक जताएगी, मेरे को कोई लेन देन नहीं उस बंदे से, मैं खुद उस बंदे से उल्टा छुटकारा पाने के लिए मैंने क्या क्या ट्राई नहीं किया, मैं कभी एक हफ्ता ऐसे घर नहीं आती थी, मैं आंटी को बोलती थी कि जाके ग्रेसी को खाना दे देना, या कभी मैं ग्रेसी को लेके मैं कहीं चली जाती थी 10-15 दिन के लिए, और एक महीना मैं बाहर भी गई थी, और मैं मतलब ऐसा मैं बहुत अवॉइड भी किया था उस बंदे को, कर किया था मतलब किया हूँ, किया करते रहती हूँ और अभी भी कर रही हूँ। तो उसके माँ बाप को मतलब वो बंदा मेरे घर के नीचे रात के 1 बजे 2 बजे आते थे, नॉक करते थे दरवाज़ा, मैं खोल देती थी उसको, धक्के मार के मैं दरवाज़ा बंद कर देती थी, ऐसा मतलब हाल था मेरा, मतलब बहुत गंदा हाल।
तो उसके बेटे मतलब मैं क्या बोलूँ अभी, उसके बेटे का भी क्या मतलब क्या सोच रहा है, उसके माँ बाप क्या सोच रहा है, मेरे को कुछ नहीं पता। मैं इस वक्त ये चाहती हूँ कि उसके माँ बाप समझे मेरी फीलिंग्स समझे कि देख मैं भी बाहर से आई हूँ, आउट ऑफ मुंबई से, मतलब कई और अदर स्टेट से मैं आई हूँ काम करने के लिए, तो मेरे को काम करने दो। आपकी बेटे से मेरे को कोई लेने देना नहीं है, ठीक है। और मैंने जो 2-व्हीलर खरीदा था वो भी उसके बाप ने उठा के मेरे घर के नीचे से लेके गए, और अभी भी 1.5 महीना मतलब 1 महीना 15 डेज समथिंग कुछ हो गया है, मैं अपने घर गई नहीं हूँ, क्योंकि अभी घर जाऊंगी तो उसके बाप मेरे को बोले कि बस तू एक बार मेरे हाथ में आ। मेरे बेटे को तो मैंने जेल में डाल दिया है, ड्रग्स के केस में, झूठा ड्रग्स के केस में मैंने मेरे बेटे को जेल के अंदर डाला है। तू मिल, तू बस कैसे भी मेरे हाथ में आ, तेरा भी इंतजाम करके रखा है। उसका बाप मेरे को ये बोल रहा है, सारा कॉल रिकॉर्ड्स सब मेरे पास है, उसकी माँ के, बाप के, उस बंदे के, उसकी बीवी के और उसकी बहन के सारे रिकॉर्ड्स मेरे पास है, कॉल रिकॉर्ड्स, और सबकी फ़ोटोज़ मेरे पास है। तो जिस दिन मेरे को कुछ हुआ, एसिड अटैक हुआ, या मैं खो गई हूँ महीने से, कुछ 3-4 महीने से खो गई हूँ, तो समझ जाना मेरे साथ कुछ कांड हुआ है। और उस फैमिली को छोड़ना मत, क्योंकि मैंने सारे सबूत मेरी एक फ्रेंड को दे रखा है, कल को कुछ हो जाएगा तो वो सब सोशल मीडिया में वायरल कर देगा, सब फैला देगा, उसके फैमिली को सब धमकी उमकी जो भी है, क्योंकि मुंबई में मैं 4 साल से रह रही हूँ, कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया, ये फर्स्ट। और वो बंदा मेरे पीछे इतना, एक होता ना पागल, साइको बोलूँगी मैं, साइको की तरह मेरे पीछे पड़ा हुआ है, और उसकी फैमिली वाले अपने बेटे को नहीं संभाल पा रहे, तो मेरे को वो लोग ख़त्म करना चाहते हैं, बेटे को नहीं संभाल पा रहे, मेरे को ख़त्म करना चाहते हैं, और ताकि मेरे को अगर मार उर दिया, कुछ कर दिया, तो उसके बेटे अपने बहू को एक्सेप्ट कर लेंगे, ये सोच रहा है। और 1.5 साल से टच नहीं की, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, उसके बेटे अपने बीवी को 1.5 साल से टच नहीं की, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। अरेंज मैरिज करवा के दिया आप लोग ने, बोलते हैं कि 8 साल से मेरा उसके साथ अफेयर था, उसकी बीवी बोल रहे हैं, लेकिन वो बंदे तो मेरे को बोला कि 8 साल पहले बस तिलक लगाने गया था मेरे बाप माँ के साथ में, उसके घर पे मिलता उल्टा कुछ नहीं था, ये बोलता है मेरे को उसके बेटे। मैं ठीक है यार, तुम लोगों का फैमिली का जो भी चल रहा है चलने दे, शादी हो गया ना, रहो अपने बीबी के साथ सही, फैमिली के साथ खुश रहो, मेरे को बख्श दो अपनी, उसकी फैमिली को मैं बस हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मेरे को कुछ हुआ तो मेरे अरुणाचल के लोग आपके फैमिली को नहीं छोड़ने वाले। मैं मेरी अरुणाचल के CM जो भी वहाँ के बड़े बड़े लोगों से मैं हाथ विनती करती हूँ, आपके अरुणाचल की एक नारी यहाँ मुंबई में काम करने आई है और उसके साथ ये सलूक किया जा रहा है, सो प्लीज़ कल को मेरे साथ कुछ हुआ तो मैं आप सभी से हाथ विनती करके रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि उसकी फैमिली को फांसी की सज़ा दिया जाएगा, या नहीं तो उमर कैद की जेल पे सजा दिया जाएगा, क्योंकि उसकी फैमिली ही मेरे को कुछ कर सकता है, या नहीं तो उसकी फैमिली एग्रीमेंट कुछ लिख के, या कुछ लीगली कुछ ऐसे पेपर में लिख के बोले कि कल को अगर बेला को कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदारी, और बेला को उसके तरफ से कुछ नहीं होने मतलब होगा, उसकी फैमिली वाला ये लीगली नोटिस भेजे कि उन लोगों ने जो भी मेरी को धमकी दिया, जो भी किया, वो सब मेरे को माफ मांगे।